केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 11। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने अल्कोहल्स के बारे में बात की थी, इनकी हमने क्लासिफिकेशन की थी और साथ में हम लोगों ने इनका नोमेनक्लेचर देखा था। क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप रिकॉल करो तो हमने देखा था कि आपके पास मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, मोनो और पॉलीहाइड्रिक। और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं उनके अंदर फर्दर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, डिपेंडिंग के किस कार्बन लोकेशन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप लगा हुआ है। साथ में हमने नोमेनक्लेचर देखा था जिसमें हमने देखा था कि अल्कोहल ग्रुप जो है ये इसको प्रायोरिटी होती है और इसकी प्रायोरिटी होती है और इसकी वजह से हम इसको, अगर एक तरफ डबल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है और एक तरफ अल्कोहल ग्रुप है, तो हम इसको छोटा नंबर देते हैं। बाकी आपके रूल्स ऑलमोस्ट वही थे जो अल्केन्स के लिए थे। आज हम बेसिकली इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे अल्कोहल्स की। और जो सबसे रीसेंट मेथड आपने पढ़ा है, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी वही है, मैं उसी के बारे में सबसे पहले बात करूंगा, दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स। ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे, उसके अंदर आपको याद होगा कि आपके पास एक अल्काइल ग्रुप होता था, एक मैग्नीशियम आयन और साथ एक हेलोजन, और ये दोनों आपस में तीनों यूं इस तरीके से बॉन्डेड होते थे और इसको हम बोलते थे ग्रिग्नर्ड रीजेंट या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इस ग्रिग्नर्ड रीजेंट की स्पेशलिटी ये होती थी कि इसमें जो मैग्नीशियम के साथ कार्बन अटैच्ड है ना, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता था, जो कि मैग्नीशियम के बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये बॉन्ड इंतहाई ज़्यादा शिफ्ट हुआ हुआ होता था शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अल्काइल ग्रुप, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो जाया करता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से बहुत रिएक्टिव होते हैं ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स, और हम लोगों ने देखा था कि ग्रिग्नर्ड रीजेंट्स में आपके पास जब इनका रिएक्शन होता है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, तो करस्पॉन्डिंगली अल्कोहल्स यील्ड होते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम लोगों ने दो तीन टिप किस्म के देखे थे और सबके अंदर हमने देखा था कि कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा था, ठीक है, और एक तरफ को अगर तो आप H लगा देते हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक अल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोनों तरफ को H लगा देते हो तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर एक तरफ को H है तो फिर ये कोई और अल्डिहाइड होगा, फॉर एग्जांपल एसिटल्डिहाइड या व्हाटएवर। और अगर आप दोनों तरफ H ना लगाओ बल्कि दोनों तरफ अल्काइल चेन लगा दो, कार्बन से आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, तो अब ये आपके पास एक कीटोन कहलाता है, ठीक है। और इसका रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर अब हम नहीं जाएंगे, अब हम सिंपली इस बारे में बात कर देते हैं कि जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है वो कैसा होता है, बल्कि चलिए रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेगा इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। और जब इस लोकेशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा इसके साथ R2, R1 यहीं पे लगे हुए हैं, ये कार्बन है, और इसके साथ आके ये R अटैच हो गया, ठीक है। और साथ जब वो R सेपरेट होगा तो इस मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब यहाँ पे कार्बन के साथ ये आके अटैच होगा ना ये वाला R, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड जो है वो, एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। एक बॉन्ड इस वजह से टूटेगा बिकॉज कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो चुके हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उस जगह पे शिफ्ट हो चुका हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ आके ये MgX आके अटैच हो जाएगा। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O इसमें ऐड करोगे, यानी H और OH की प्रेजेंस में पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अब ये होगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव यहाँ से ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा हैं, अनशेयर्ड हैं, ये अटैक करेंगे इस प्रोटॉन को, ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा इस मैग्नीशियम एटम को, और आपके पास एंड प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे होंगे कि आपके पास C R2 R R1, और ऊपर आपके पास O के साथ एक प्रोटॉन आके अटैच हो जाएगा H, और साथ एक और प्रोडक्ट भी होगा आपके पास जो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, मैग्नीशियम के एक तरफ को हैलाइड और दूसरी तरफ को उसके एक और चीज़ आके अटैच हो जाएगी जो कि हाइड्रोसाइड होगा, ठीक है।
जो आपका इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब देखो ये जो आपके पास एक प्रोडक्ट बना है, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये हमेशा एक अल्कोहल होगा, क्योंकि इसमें आपके पास एक हाइड्रोसाइड ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के ऊपर, और ये जो कार्बन है ये फर्दर आपके तीन मुख्तलिफ चेन्स के साथ लगा हुआ है। इनमें से दो चेन्स तो वो वाली हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड पे लगी हुई थी, एक R2 और एक R1, और तीसरी चेन वो है जो आपके ग्रिगनार्ड रीजेंट की चेन थी। ठीक है, तो आप इस मेथड से ये कर सकते हो कि अपनी मर्जी से कोई भी अल्कोहल यील्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपने प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल, तो आप ऐसा करो कि जो आप कीटोन, जो आप ये कार्बोनाइल कंपाउंड सिलेक्ट कर रहे हो, या ऐसा सिलेक्ट कर लो कि इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन्स लगे हुए हों, तो उससे ये होगा कि इनमें से R1 भी हाइड्रोजन हो जाएगी, R2 भी हाइड्रोजन हो जाएगी, और ये R जो है ये ग्रिगनर्ड रीजेंट का होगा। आप ग्रिगनर्ड रीजेंट कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इथाइल ले लेते हो, C2H5 और MgBr के साथ आप रिएक्शन करा देते हो इसका लेड से, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक कार्बन ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तरफ को ये वाला एच, दूसरी तरफ को ये वाला एच, और तीसरी तरफ को C2H5, ये ग्रिगनर्ड रीजेंट वाला आके अटैच हो जाएगा। तो अब आप नोट करो, ये आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप ये करो कि ये जो आपने ग्रिगनर्ड रीजेंट का तो कोई ना कोई चेन होगी ही होगी ना, यहाँ पे आप एच नहीं लगाते, तो जो आपका ये कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, आप इसमें एक तरफ को एच के बजाय एक तरफ को CH3 कर दो, दूसरी तरफ एच ही लगा रहे, यानी आप एसिटाल्डिहाइड वगैरह बना दो, या यहाँ पे एग्जैक्टली CH3 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप अल्काइल चेन लगा दो कोई, लेकिन एक तरफ को एच रहे अभी भी। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि उसमें एक तरफ को एच रहेगा अभी भी, दूसरी तरफ को वो वाली अल्काइल चेन लगी होगी, इसको R1 बोल दो, जो कार्बोनाइल कंपाउंड के एक तरफ को एच था और दूसरी तरफ को R1 चेन थी, और यहाँ पे आके वो वाली चेन अटैच हो जाएगी जो ग्रिगनर्ड रीजेंट की थी। ठीक है, और वो आपके पास R, तो अब आप देखो आपके पास ये एक सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो गया। इसी तरीके से आप टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के ऊपर आप अल्काइल ग्रुप एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लो जिसमें कार्बन हो। ठीक है, तो ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, और इस तरीके से आप कोई भी अल्कोहल यील्ड कर सकते हो। ये थी आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन अल्कोहल्स की। अब हम एक्चुअली आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के ऊपर, कि इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम दोनों के बारे में सेपरेटली बात करते हैं, जो दो बेसिक अल्कोहल्स हैं आपके पास, एक तो मेथनॉल, मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है आपके पास CH3OH, एंड एक्चुअली अगर आप बात करो ये जो मिथाइल अल्कोहल है ना, ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं है, ये ना तो प्राइमरी अल्कोहल है, ना सेकेंडरी अल्कोहल है, और ना ही टर्शरी अल्कोहल है। इसकी रीजन ये कि जिस कार्बन एटम के साथ आपका हाइड्रोसाइड आके अटैच हुआ है ना, उस कार्बन एटम के साथ मजीद कोई भी कार्बन एटम बॉन्ड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो इस वजह से मिथाइल अल्कोहल एक सेपरेट कैटेगरी है, जो ना प्राइमरी है, ना सेकेंडरी है, और ना टर्शरी है। जिस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर आपने प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े हैं, इनमें से कोई भी मेथड इस पे वैलिड नहीं होगा, यानी आप कार्बोनाइल कंपाउंड के लेफ्ट और राइट पे इवन अगर हाइड्रोजन लगा भी दो, तो जो ग्रिगनर्ड रीजेंट में आप हाइड्रोजन के साथ नॉर्मली कंपाउंड्स नहीं बनाया करते। ठीक है, तो ये फिर वो प्रॉपर्टीज इसकी वो वाली नहीं रहेंगी, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में फर्क है, और वो जो हमने स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी की बात की थी ग्रिगनर्ड रीजेंट्स के बारे में, वो फिर नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम ये बात कर रहे थे कि मेथेनॉल को प्रोड्यूस करना है आपने, तो जो नॉर्मली मेथेनॉल के लिए, चलो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, पहले मेथेनॉल को वुड स्पिरिट भी बोला जाता है, वुड स्पिरिट। ठीक है, क्योंकि जब शुरू शुरू में मेथेनॉल डिस्कवर किया गया था ना, उस वक्त ये लकड़ी के अंदर से डिस्टिलेशन करके निकाला जाता था, इस वजह से इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका टेक्निकल नेम जो है वो मेथेनॉल है। मेथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वाटर गैस लेते हैं, वाटर गैस, और वाटर गैस आपके पास किस चीज को कहते हैं, आप अगर अपने इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा रिकॉल करो, आपके पास
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं वाटर गैस। ठीक है, तो आप सिंपली वाटर गैस को क्या करते हो, हाई कैटलिस्ट, हाई बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और साथ 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या करते हो कि एक कैटलिस्ट के अंदर से पास कराते हो। और वो कैटलिस्ट आपके पास कौन से होते हैं, एक आपके पास होता है जिंक ऑक्साइड और साथ आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड, और इन दोनों के अंदर से जब आप पास कराते हो तो आपके पास सिंपली मीथेन बन जाता है। इसको मैं उसी कलर से लिख देता हूँ, आपके पास मिथाइल अल्कोहल, सॉरी मीथेन कह रहा हूँ, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब अगर लेफ्ट और राइट साइड को बैलेंस करो तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन्स वहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे इनपुट 2, तो ये बेसिकली आप ये वाटर गैस ही रहेगी। आप ये मत समझना कि CO प्लस H2 वॉज वाटर गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन को वाटर गैस कहते हैं, इनकी प्रोपोर्शंस और भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे वाटर गैस जो है उससे मिथाइल अल्कोहल तक पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से किया जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। अब ये रिएक्शन तो आपके सामने मैंने लिख दिया, अब इसको किया इस तरीके से जाता है कि सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्योरीफाई किया जाता है, एक गैस प्योरीफायर लगाया जाता है, उसके अंदर से इसको पास कराते हैं, गैस प्योरीफाई, इसको साफ किया जाता है, इसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, और जब यहाँ से ये दोनों गैसेस पास कर चुकी होती हैं फिर हम क्या करते हैं, इनको कंप्रेस करते हैं, बिकॉज आपको याद होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 200 ATM प्रेशर, यानी बहुत ही हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन करनी पड़ेगी, कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ होता है, कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर क्या करता है, ये इसको कंप्रेस कर देता है और प्रेशर बढ़ा देता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर यहाँ पे एक टॉवर होता है जो जिसके अंदर सारी हीटिंग वगैरह हो रही है, और इससे अंदर जब ये गैस जाती है ना तो यहाँ पे यूं इन पाइप्स के अंदर से होती भी ना यहाँ पे गैस पहुँचती है। ठीक है, और यहाँ पे जब गैस पहुँचती है तो यहाँ पे आपके पास बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 450 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर हम हाई क्यों करते हैं, ये टेम्परेचर हाई करते हैं हम इन कैटलिस्ट को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इन कैटलिस्ट को हीट किया जाता है और अंदर से सिंपली गैस पास हो रही होती है। ठीक है, तो ये जिंक ऑक्साइड और ये तो आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, और ये जो पीछे से आप भेज रहे हो ये गैस की फॉर्म में है, तो ये गैसेस यहाँ से एंटर होंगी, लेकिन जब आप इनको कंप्रेस कर दोगे इतने हाई प्रेशर पे तो अब आपके पास ये लिक्विफाई होके अंदर जाएंगी, इसके कंप्रेस्ड लिक्विड की फॉर्म में, ये कंप्रेस्ड लिक्विड इसके अंदर जाएगा इस चैम्बर के अंदर, और इस चैम्बर के अंदर से जब बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या चीज़, मिथाइल अल्कोहल अब तक प्रोड्यूस हो चुका हुआ होगा। फिर आप क्या करोगे, इस मिथाइल अल्कोहल को कंडेंस करोगे, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ होगा। कंडेंसेशन हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जब यहाँ से ये इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर ना क्या होता है कि ये सारी चीज़ें गैसेस की फॉर्म में बन जाती हैं। ठीक है, आपके ये जो मिथाइल अल्कोहल भी इवन फॉर्म होगा ना ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा और ये आपका गैस की फॉर्म में होगा, तो फिर आपको इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इसका टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, आपको कंडेंस करना पड़ेगा इसको, इसको सॉलिड से लिक्विड के अंदर लेके आना पड़ेगा, और जब ये लिक्विड के अंदर आ जाएगा उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके पास मेथनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। अब ऐसे होता है कि इस पूरे रिएक्शन में ना जरूरी नहीं है कि पहले स्टेप में ही आप ये सारा कुछ करो और सारी के सारी जो का यहाँ से पीछे से वाटर गैस आ रही थी वो सारी की सारी मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी CO प्लस H2 रह जाता है जो अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ होता। ठीक है, फिर यहाँ पे पीछे एक पंप लगा होता है जो उनको वापस सर्कुलेट कर देता है और इधर वापस भेज देता है उनको, और इस कंप्रेसर के अंदर वो फिर से वापस चली जाती हैं, और फिर ये साइकिल कंटिन्यू होता है और यहाँ पे आपके पास मेथनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप देखो ये इंतहाई सिंपल सा इसका प्रोसेस है, सबसे पहले हमने प्योरिफिकेशन की, फिर कंप्रेशन की, कितने प्रेशर तक, हमने 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेशन की, और ये जो कॉयल्स अंदर आपको नजर आ रहे हैं ये आपके जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से जब पास होके जाता है आपके वाटर गैस तो वो मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये बड़ा सिंपल सा आपका रिएक्शन हो गया। तो दिस इज हाउ मिथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इन इंडस्ट्रियल लेवल। अब हम आते हैं इथाइल अल्कोहल के ऊपर, इथाइल अल्कोहल जो है आपके पास इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास है, एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसके साथ सिंपल एक हाइड्रोसाइड है,
ये आपके पास सिंपल इथाइल अल्कोहल है। और इथाइल अल्कोहल को हम लोग नॉर्मली ये जो आप बात करते हो ना वाइन वगैरह की, वाइन या रम जो होती है उसके अंदर इथाइल अल्कोहल बहुत ही कॉमनली यूज होता है, और इसी वजह से कहते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस, अक्सर आपने सुना होगा अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो ये आपके पास ड्रिंक्स होते हैं जिनके अंदर अल्कोहल होता है, ठीक है। तो अल्कोहल के अंदर कैसे इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्कोहल को जो प्रिपेयर किया जाता है ना वो इस प्रोसेस से किया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। अब आपको थोड़ी सी नई वोकेबलरी के बारे में बताता हूँ। एक लफ्ज़ है फर्मेंटेशन, एक लफ्ज़ है मोलेसिस, ठीक है, फिर एक लफ्ज़ है यीस्ट, ठीक है, फिर आपके पास एक लफ्ज़ है एंजाइम्स। ये सारे थोड़े से बायोलॉजी से मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। और फिर आपके पास एक लफ्ज़ है कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर आपके पास एक वर्ड है स्टार्च, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे जो आपके लिए थोड़े नए होंगे। सबसे पहले हम फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फर्मेंटेशन सिंपली ये होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की नॉर्मली ये की जाती है। चलो पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन और साथ हाइड्रेट को ये अटैच हुआ हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं कार्बन की आगे एक्स की 6 वैल्यू पुट कर दूं तो C6H12O6 बन जाएगा ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी 6 कार्बन एटम्स और 6 दफा आपका वाटर का मॉलिक्यूल हो तो H12O6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं लंबे लंबे से, और ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप चैप्टर नंबर 14 के अंदर इनको पढ़ोगे। सेकेंडली ये फर्मेंटेशन ये होती है, फर्मेंटेशन इज बेसिकली के आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ना इन कार्बोहाइड्रेट्स के, इनका टेक्निकली कन्वर्ट हो जाना इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल C2H5OH, इनका इसके अंदर कन्वर्ट हो जाना बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट, ठीक है। अब यीस्ट बीच में कहां से आ गए, यीस्ट क्या चीज है, यीस्ट आपके पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या माइक्रो लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके पास नॉन लिविंग थिंग नहीं है, ये कोई कंपाउंड नहीं है जो यीस्ट है, ये आपके पास बैक्टीरिया की तरह एक चीज होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटी होती है, 4-5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाए तो आपको बिल्कुल ही छोटी सी कोई इस तरह की चीज नजर आती है, और इसका ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करती है। यानी अगर आपने एक यीस्ट का मॉलिक्यूल यीस्ट रखा हुआ है, इसका सेल रखा हुआ है, तो ये थोड़ी देर बाद आपके पास दो सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये जो टाइम है इस टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स है, 4 आवर्स बाद के ट्वाइस हो जाता है अपने प्रीवियस अमाउंट के, ठीक है। तो जो यीस्ट है ना इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो फर्मेंट कर देता है। फर्मेंट करने को आप यूं समझ लो कि उसको ब्रेक कर देता है और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर प्रोड्यूस कर देता है, जो ये वाले दो हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। मोलेसिस किस चीज को बोलते हैं, ये एक नया वर्ड आ गया। मोलेसिस हम कहते हैं ये जो शुगर केन होता है ना, शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने का जूस जिसका हम पीते होते हैं, उस गन्ने का जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उनको बोलते हैं मोलेसिस। लेफ्ट ओवर्स यानी उसका जो बचा कुचा रह जाता है ना, जब इवन आप जूस जूस निकाल रहे होते हो तो जो बचा कुचा रह जाता है उसका पीछे, उसको हम मोलेसिस कहते हैं, ठीक है। और उसका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है ना मोलेसिस का, वो आपके पास सुक्रोज है, क्योंकि गन्ना मीठा होता है तो गन्ने के अंदर चीनी होती है यानी शुगर होती है। तो जो शुगर्स हैं, शुगर्स के फॉर्मूले आपके पास प्योर, जो हम चीनी खाते हैं ना उसका भी यही फॉर्मूला है आपके पास सुक्रोज। और सुक्रोज का क्या फॉर्मूला है, C12H22O11, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली शुगर्स होते हैं जो आपके पास शुगर केन के अंदर होते हैं। तो आपको पता चल गया फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, मोलेसिस किसे कहते हैं, यीस्ट किसे कहते हैं, एंजाइम्स किसे कहते हैं, ये आपको बता देता हूँ। अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो ना, जब कोई भी रिएक्शन में कहता हूं तो फॉर एग्जांपल अभी आपने ये कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड। अच्छा ये जो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड थे ये क्या चीज थे, शाबाश, ये कैटेलिस्ट थे। और ये क्या करते हैं, ठीक है, कैटेलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी अगर तो स्लो बहुत रिएक्शन है तो उसको फास्ट कर देंगे, और इस तरीके से
तो ये जो एंजाइम्स है ना, ये भी बेसिकली कैटलिस्ट ही होते हैं। फिर फर्क क्या हुआ इनमें, और फिर इनको एंजाइम्स क्यों कहते हैं? ये एक मखसूस किस्म के कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है, या आप कह लो कि ये बायोलॉजिकल होते हैं। ये लिविंग बींग्स समझ लो, या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है, अब क्रोमियम ऑक्साइड कोई चीज तो नहीं है ना, मसलन क्रोमियम ऑक्साइड लिविंग है या नॉन लिविंग है? ओ भाई, ये तो एक कंपाउंड है, ये लिविंग थोड़ी हो सकता है। अलबत्ता ये जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं, ये बायोलॉजिकल होते हैं और ये लिविंग बींग्स आप समझ लो हैं। आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स ही, मैं आपको बता चुका हूँ। स्टार्च आपके पास क्या चीज है? स्टार्च भी अगेन एक कार्बोहाइड्रेट्स का डेरिवेटिव है, जो बहुत लंबे लंबे चेन्स होते हैं। स्टार्च के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। स्टार्च, चलो मैं बता दूं, स्टार्च आपके पास पॉलीमर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर्स, ठीक है। तो बस अभी इतना ही। अच्छा, अब हम करते ये हैं इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। सिंपली अगर आपको मैं स्टेप्स बताऊं, हम फर्मेंट करते हैं किस चीज को? मोलेसिस को, किस चीज से? यीस्ट से, ठीक है। बस तीन स्टेप्स हैं, हमने फर्मेंट करना है, फर्मेंटेशन करनी है मोलेसिस की बाय द यीस्ट। तो हम कैसे करते हैं? हम मोलेसिस लेते हैं। मोलेसिस मैंने कहा था इसमें शुगर होती है, तो इसका शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। इसको आप यूं भी याद कर सकते हो, ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि C12 और H2O भी 12 नहीं है इसमें, बल्कि 11 है, यानी एक वाटर निकला हुआ है। तो इसको अगर एक्सपेंड करके लिखो तो ये ऊपर वाली चीज बनती है। तो मैंने आपको वैसे बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट्स कोई ऐसी चीजें होती हैं जो CX H2O X होता है, यानी ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन ये किस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकला हुआ होता है? तो ये सुक्रोज है आपके पास। अब सुक्रोज को हम क्या करते हैं कि इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, और ये नॉर्मली जब रिएक्शन किया जाता है ना, तो ये इस प्रोपोर्शन से किया जाता है कि आपके पास अगर ये एक है तो ये आपके पास पांच होगा, 1 से 5 का रेशियो रखा जाता है। ये अगर आपने 10 ग्राम यूज किया है तो पानी आपका उसमें 50 ग्राम होगा, ठीक है। इस रेशियो से आप इन दोनों को ऐड करते हो, और इन दोनों का रिएक्शन जब ऐड कर देते हो, फिर आप डालते हो बीच में यीस्ट, और यीस्ट के साथ साथ आप इसमें क्या डाल देते हो? इसमें आप एंजाइम्स डालते हो, और वो एंजाइम इस पर्टिकुलर केस के लिए इनवर्टेज है, ठीक है। और फिर आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोडक्ट बन जाते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर का आपस में डिफरेंस है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है। फिर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके पास बन जाता है, फिर अगले स्टेप में यह होता है कि जो ग्लूकोज बन गया है ना, ग्लूकोज जो है ये फर्दर अपनी फर्मेंटेशन चलाता है इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, इसकी फर्मेंटेशन करता है। और इस दफा जो कैटलिस्ट आप एम्प्लॉय करते हो, वो जाइमेज करते हो इस प्रोसेस के लिए, और आपके पास क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाता है, C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो मेन ओवरऑल रिएक्शन आपके पास बनता है वो ये है कि ये सुक्रोज का रिएक्शन जब पानी के साथ होता है, तो ओवरऑल आपके पास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। तो ये इसके बारे में, ऊपर ऊपर से मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं इसके बारे में, जल्दी जल्दी से हम इसको समराइज कर लेते हैं। ये जो अभी मैंने आपको रिएक्शन बताया है ना, ये आपका जब प्रैक्टिकली किया जाता है ना, तो जो टेम्परेचर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर आपको ना तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक के दरमियान रखना होता है, ठीक है, नॉर्मली इसके दरमियान रखा जाता है। क्योंकि अगर आप 13 से नीचे लेके आते हो ना टेम्परेचर, तो जो एंजाइम का एक्शन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, एंजाइम्स जो है वो रिएक्ट करना खत्म कर देते हैं। और अगर आप 27 से ऊपर ले जाओ टेम्परेचर, तो आपके जो यीस्ट है वो डेड होने लग जाते हैं, वो मरने लग जाते हैं, क्योंकि वो लिविंग हैं, तो वो सेल्स किल हो जाते हैं सारे इससे। तो आपने इन दो के दरमियान रखना होता है टेम्परेचर। और दूसरा मैं एक और चीज आपको बता दूं कि जो जो टेम्परेचर आप बढ़ाते हो ना, तो एंजाइम का जो रिएक्शन रेट होता है वो बढ़ता है। तो एंजाइम्स बेहतर रिएक्ट करते हैं जब आप ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर होते हो। तो अगर तो सर्दियों के टेम्परेचर, अगर सर्दियां हैं और आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मली लैब में नहीं किया जाता, ये अमूमन लोग अपने ओन पे कर रहे होते हैं, बड़े बड़े टब रखे होते हैं उन्होंने, टब के अंदर वो गन्ने का वो जूस वगैरह डाल देते हैं, उसके अंदर बीच में थोड़ा सा वो यीस्ट डाल देते हैं, और उसको वो
टब को ऊपर से खुला करके छोड़ देते हैं। और कुछ अरसे बाद क्या होता है, मतलब 2 से 3 दिन के लिए वो उसको छोड़ देते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर ये होता है कि जो अंदर ये अपने यीस्ट डाली होती है ना, पहले तो ये यीस्ट खुद ब खुद ग्रो करने लग जाती है, बड़ी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है जितना आप डालते हो उससे। और फिर वो यीस्ट क्या करती है, वो इसका रिएक्शन करा के अल्कोहल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अच्छा इसके बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो अल्कोहल इस तरीके से प्रोड्यूस होता है ना, ये सिर्फ ऑलमोस्ट 10% के करीब प्योर होता है। ठीक है, बाकी इसमें क्या होता है, बाकी इसमें वाटर होता है 90%। 10% इस वजह से क्योंकि अगर ये 10% से ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए ना, तो फिर क्या होता है, जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल स्टार्ट किलिंग यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट के जो सेल्स हैं वो डेड होने लग जाते हैं अल्कोहल जब इससे ज्यादा परसेंटेज में प्रोड्यूस होने लग जाए। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो हैं बस इतनी, जब इतने प्योर हो जाते हैं उसके बाद सारे यीस्ट जो है वो खत्म हो जाती है और फिर फर्दर प्रोसेस रुक जाता है और इससे ज्यादा प्योर हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, तो जब इतना प्योर आप ले लेते हो अल्कोहल, फिर आप क्या करते हो, इसके डिस्टिलेशन वगैरह करते हो, और डिस्टिलेशन के बाद आपके पास प्योर अल्कोहल आ जाता है 95% तक प्योर अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिट रेक्टिफाइड स्पिरिट, बिकॉज इसको रेक्टिफाई कर चुके हुए हो, रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप 100% प्योर अल्कोहल चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा फिर कि इसके अंदर आप कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दो, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड जो थोड़ा बचा कुचा पानी है उसके साथ रिएक्ट करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और पीछे आपके पास प्योर 100% तक, एग्जैक्ट 100 तो कभी भी नहीं होता, 99% तक आप प्योर अल्कोहल अचीव कर सकते हो। अल्कोहल जो हम नॉर्मली अपने बेवरेजेस में यूज करते हैं ना, जूसेस के अंदर और जो वाइन के अंदर होता है, वो सिर्फ 10% के अराउंड होता है। ठीक है, आप अगर 15 या 20 से या तक अगर अल्कोहल पी लो तो आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, सो इट इज वेरी डेंजरस। स्टार्च का बस हम फाइनली बात कर लेते हैं, और ये चूंकि बहुत डेंजरस है अल्कोहल, और अब आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल तो हर लैब के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम करते ये है कि इसकी डी नेचरिंग कर देते हैं लैब के अंदर। डी नेचरिंग ये होता है कि आप इसकी नेचर को किल कर देते हो, यानी आप इसके अंदर मेथनॉल डाल देते हो एथेनॉल के अंदर, ताकि क्या हो, ये रिएक्शन तो नहीं करेंगे आपस में, अलबत्ता ये जो इसका अफेक्ट है इसको खत्म कर देंगे। यानी हो सकता है किसी बच्चे को दिल करे जनाब लैब में जाके शराब बना के पीने लगे हैं जनाब, वो किसी बोतल को पकड़ लिया और उसके अंदर थोड़ा सा पानी के अंदर इथाइल अल्कोहल घोल लिया और पी लिए जनाब ने, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इसके अंदर लैब के अंदर नॉर्मली उन्होंने मिथाइल अल्कोहल या एसीटोन को मिक्स किया हुआ होता है। ठीक है, वो ना पेरिडीन को भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन पेरिडीन जो है वो हेल्थ वाइज इंतहाई ज़्यादा डेंजरस है। पेरिडीन आपके पास ये कंपाउंड है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसको नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हो गई, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अब बात करेंगे अल्कोहल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में रिएक्टिविटी हम देखेंगे अल्कोहल्स की। ठीक